ये समोसा इसमें गोश्त इस्तेमाल हुआ है, प्याज इस्तेमाल हुआ है और मुख्तलिफ मसाले। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हजरात, मैं आपका होस्ट महबूब अली एक और ब्लॉग के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो एज़ यूजुअल हम जाते हैं मार्केट, कुछ परचेजिंग करते हैं। तरबूज के बिकने की जो कंपटीशन काफ़ी हाई है, तो हर तरफ से आवाज़ें निकलती है तरबूज की। ले लो भाई, ले लो तरबूज, ले लो 100 रुपए का दाना, 100 रुपए का दाना, ले लो 100 रुपए का दाना तरबूज, 100 रुपए का दाना। नॉर्मली कितना इसका वजन होगा? इसका वजन कम मैक्सिमम 4 किलो होगा, 25 रुपए के हिसाब से वजन करके भी ले। आज तरबूज का रेट जान के मुझे काफी हैरत भी हो गई। कुछ दिन पहले यहाँ तरबूज 80 रुपए किलो बिकता था, एक तरबूज 100 रुपए का बिकता है। ये है स्टॉल, यहाँ पे भी तरबूज बिकता है। ये भी एक छोटा स्टॉल है। يا ربي دعاتي تقبلها عطول। यहाँ पे तरबूज के 3 स्टॉल मौजूद हैं, एक ये अभी जो दिखाया और एक ये वाला और एक साथ वाला। 4 किलो का तरबूज यहाँ 100 रुपए में बिकता है, तो मेरे ख्याल में इससे सस्ता तरबूज उस खेत में भी नहीं बिकेगा जहाँ से ये तरबूज कल्टीवेट होता है। तो सुन, किस्मत आजमाया थे का पड़ू निकले क्यों नहीं निकले, रेट बेस भाव देंगे ना 100 रुपये दाना तन कुछ। ये खीर का पाउडर है नेशनल का। थैंक यू डॉक्टर साहब। पिछले साल मैंने आपको दिखाया था रमज़ान के व्लॉग्स में कि बहुत सारी चीज़ें, हम तो चिप्स पकोड़े डेली हम खरीदते थे, लेकिन इस दफ़ा कोई भी स्टॉल नहीं है यहाँ पर। इस दफ़ा यहाँ रमज़ान में इस मार्केट में एक ही स्टॉल है जहाँ पर पकोड़े, समोसे और इसी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ डेली इनका स्टॉल लगता है। ये 100 रुपये का दर्जन है, दूसरा कॉटन वाला 140 का दर्जन है। ये लो सर, थोड़ा ज़्यादा भी दिए आप। इसका शेक बन सकता है ना? शेक बनाने के लिए ही होते हैं ये सर, ऐसे खाने के लिए नहीं, ये मिले शेक बनाने के लिए, अच्छे सस्ता भी पड़ जाती है। फिदा हुसैन भाई का कहना यह है कि ये जो किले इन्होंने हमें दिए हैं, किले हैं स्पेशली शेक बनाने के लिए। अच्छा आइडिया है फिदा हुसैन भाई का। ये हम ना आपके लिए किले लेके आया हूँ, किले खाने हैं किले। काफ़ी टाइम लगा मार्केट में रमज़ान के दौरान, एक बहुत ही बुरी आदत मेरी बन गई कि मैं चीज़ें अमूमन बिल्कुल भूल जाता हूँ, एक चीज़ एक जगह रख के बिल्कुल मैं भूल जाता हूँ। बाज़ दफ़ा घर आके मार्केट से मुझे वापस जाना पड़ता है, तो आज ऐसा ही हुआ। ये खाओ पहले, बाद में देंगे आपको, एक और देते हैं। طعم الدنيا تغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان आज हमने ब्रेड पकोड़े बनाए हैं और माशाल्लाह से कलर देखिए इनका, वाह कलर देखिए इनका, वाह। गाइस हमारे तैयार है ब्रेड के पकोड़े और समोसे,
ये ब्रेड के समोसे और ये प्याज के पकोड़े, फ्रूट वाटरमेलन, और ये रहे कुछ समोसे आलू और कीमे के। बहुत अच्छा गाइस, हमारा केक बहुत गाढ़ा बना है और टेस्ट भी अच्छा है। अभी हम टेस्ट करने जा रहे हैं ब्रेड के समोसे, बिल्कुल सॉफ्ट। और ये देखिए मटेरियल अंदर से, प्याज टमाटर और मुख्तलिफ मसालों का मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है। बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है गाइस, ये वेरी सॉफ्ट। बहुत अच्छा। समोसा है कीमे वाला, और ये वाला जो समोसा है ये अमूमन हम घर में बनाते हैं। मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। वाह, देखिए ये समोसा, गोश्त, इसमें गोश्त इस्तेमाल हुआ है, प्याज इस्तेमाल हुआ है और मुख्तलिफ मसाले। इसको पकड़े और इस तरह से बाइट लें इसका। वाह, कमाल है गाइस, कमाल कमाल का समोसा बना है। और इसमें पुदीना भी शामिल है जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। तो गाइस, आज का हमारा इफ्तार हमेशा की तरह अच्छा रहा। हमारी वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। लाइक करके हमें बताओ कि आपने इस वीडियो को पसंद की है, और हमारे चैनल की रुकनियत हासिल कीजिए, और घंटी भी दबाना मत भूलिए। एक दफा फिर वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।